नाउ इन दिस प्रॉब्लम, ये तो अपना काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, देयर आर टू मासेस m1 m2, वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, करेक्ट? ठीक है, तो इफ m1 इज हेवियर देन m2, तो सपोज एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ये एक्सीलरेशन a, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन विल आल्सो बी a, करेक्ट? सो पुली विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ये से पुली रोटेट होगा, करेक्ट? सो पुली का अल्फा विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, t, करेक्ट? अभी तक हम लोगों ने ये किया था, लेकिन व्हेनेवर पुली हैज सम मास, इट हैज सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पुली का रेडियस इज r, सो इस केस में टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली विल नॉट बी सेम, टेंशन विल बी डिफरेंट, सो लेट दिस टेंशन बी t1 एंड दिस टेंशन बी t2, करेक्ट? वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, विल ड्रॉ एफबीडी ऑफ बोथ ब्लॉक्स, सो m1 का एफबीडी m1g डाउन, करेक्ट? टेंशन अप t1, बराबर, और डाउन ma, तो इक्वेशन क्या बनेगा, m1g माइनस t1 इज m1a, करेक्ट? सिमिलरली m2 का एफबीडी m2g डाउन t2 अप और m2a अप, तो इसका इक्वेशन विल बी t2 माइनस m2g इज m2a, करेक्ट है यहां तक? ठीक है, अभी पुली के लिए ड्रॉ करते हैं, तो पुली के लिए क्या होगा, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पुली, सो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पुली, तो पुली पर टोटल कितने फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं, कौन से तीन फोर्सेस, फोर्स टेंशन वन, टेंशन टू और mg, लेकिन जो mg है दैट इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो टॉर्क बिकॉज ऑफ mg विल बी इक्वल टू जीरो। फर्स्ट विल राइट व्हाट इज टॉर्क बिकॉज ऑफ t1, करेक्ट? अगेन फिर से साइन कन्वेंशन, सी अल्फा का डायरेक्शन, बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, बराबर, सो तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा इज आउटसाइड, सो अल्फा इज आउटसाइड, यहां पर लिख लेता हूं, सो अल्फा इज आउटसाइड, सो आउटसाइड आई विल टेक पॉजिटिव और इनसाइड वी विल टेक नेगेटिव, करेक्ट? ठीक है, नाउ सी नेट टॉर्क एक्टिंग, t1 की वजह से टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और t2 की वजह से टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मेन टास्क यहां पर है डायरेक्शन, करेक्ट? सी t1 की वजह से टेंशन इज ओवर हियर, तो ये फिक्स्ड एक्सिस, टेंशन की तरफ ये पेंसिल को रोटेट करो, तो कैसे रोटेट हो रहा है, ये नीचे की तरफ, सो ये ऐसे, करेक्ट? तो थंब कहां पर है, आउटसाइड, तो आउटसाइड हम लोगों ने क्या लिया है, पॉजिटिव, t2 नीडल यहां पर राउंडर का, ये t2 इज डाउनवर्ड्स, बराबर, कैसे हो रहा है, तो ये डायरेक्शन में कर्ल फिंगर्स, तो कर्ल फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, मेरे साथ करो ऐसे, कर्ल फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, तो थंब कहां पर है, इनसाइड, और इनसाइड हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, नेगेटिव। क्लियर है साइन कन्वेंशन, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, t1 के लिए यहां पर राउंडर का फिक्स्ड एंड, ये t1 डाउन, बराबर, ये देखो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रहे हैं, ये ऐसे, तो फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड इन दिस डायरेक्शन, तो थंब इज आउटसाइड, आउटसाइड इज पॉजिटिव, और राउंडर का फिक्स्ड एंड यहां पर t2 नीचे जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल नीचे की तरफ, सो थंब कहां पर है, इनसाइड, तो इनसाइड इज नेगेटिव, करेक्ट? सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सो इक्वल टू t1 r माइनस t2 r, क्लियर है यहां तक, करेक्ट? काफी बेसिक चीज यहां पर लिखी है मैंने, एफबीडी लीनियर टॉर्क रोटेशन, क्लियर? ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या लिखू, वी नो दैट इसका एक्सेलरेशन इज a, ये रोटेट हो रहा है अल्फा से, सो वी नो दैट a इज r अल्फा, तो अल्फा की जगह पर वी कैन राइट a बाय r, t1 t2 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते, t1 यहां से फाइंड करो, t1 क्या होगा, m1g माइनस m1a, और t2 विल बी m2a प्लस m2g, दोनों सब्स्टिट्यूट वहां पर, सो दिस विल बी t1 m1g माइनस m1a इंटू r माइनस t2 m2a प्लस m2g इंटू r, करेक्ट?
टेक आर कॉमन, आर यहां पर डिवाइड होगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू एम वन जी माइनस एम वन ए माइनस एम टू ए माइनस एम टू जी. टेक ए कॉमन दोनों में से, टेक माइनस ए कॉमन सो इट विल बी एम वन प्लस एम टू, और इन दोनों में से टेक जी कॉमन सो इट विल बी एम वन माइनस एम टू. सो दिस इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर. टेक ए पार्ट ऑन दिस साइड, सो आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए एम वन प्लस एम टू इक्वल टू जी एम वन प्लस एम टू. टेक एलसीएम, टेक ए कॉमन, तो एलसीएम क्या होगा यहां पर आई प्लस आर स्क्वायर एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम वन प्लस एम टू. करेक्ट है? देयरफॉर ए क्या होगा, ए इक्वल टू आर स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई तो जी एम वन प्लस एम टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय ये पूरा पार्ट दैट इज आई प्लस आर स्क्वायर एम वन प्लस एम टू. सो दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक. करेक्ट? वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सॉल्यूशन देखो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये था साइन कन्वेंशन. जैसे हम लोग लीनियर में लेते थे अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, उसी तरह पहले डिसाइड करो व्हाट इज पॉजिटिव, इनसाइड पॉजिटिव है या आउटसाइड पॉजिटिव है. डिपेंडिंग अपॉन दैट टेक करेक्ट साइन कन्वेंशन एंड देन कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम. सॉरी करेक्शन, सी जी एम वन माइनस एम टू था यहां पर, सो जी एम वन माइनस एम टू सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम. सो काफी सारे पॉइंट्स है ये प्रॉब्लम में, ठीक है? तो सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर क्लियर होंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ दिस रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड. तो जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था अल्फा फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज टॉर्क, बराबर? टॉर्क इज आई अल्फा. तो इस रॉड पर हु इज एक्टिंग फोर्स, बराबर? ये रॉड जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये रॉड ऐसे मूव होगा, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एम जी. एम जी कहां पर एक्ट होगा? एम जी विल बी एक्टिंग एट सेंटर ऑफ दिस रॉड. एम आई करेक्ट? सो एम जी यहां पर एक्ट हो रहा है, करेक्ट? सो वी विल यूज फॉर्मूला टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. व्हाट इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी? टॉर्क विल बी बिकॉज ऑफ एम जी. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर? सो दिस इज एल बाय टू, करेक्ट? ये तो हुआ मैग्नीट्यूड. अभी डायरेक्शन, करेक्ट? डायरेक्शन चेक करो. राउंडर यहां पर फिक्स एंड, नीडल पेंसिल यहां पर, तो ये नीचे जा रहा है, तो फिंगर्स को कर्ल डाउनवर्ड्स. तो थंब कहां पर है? इनसाइड. तो इनसाइड वी विल टेक पॉजिटिव, तो यहां पर लिख लेता हूं इनसाइड वी विल टेक पॉजिटिव. तो इसको लेबल करता हूं पॉजिटिव. और ये रॉड भी ऐसे रोटेट होगा इन दिस डायरेक्शन, तो अल्फा भी ऐसा ही है. सो टॉर्क इज आई अल्फा एम जी एल बाय टू, करेक्ट? ठीक है. नाउ ये रॉड के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू एंड ऑफ द रॉड, बराबर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री. एम जी एल बाय टू, तो एक एम कैंसल एक एल कैंसल, सो अल्फा विल बी इक्वल टू थ्री जी बाय टू एल. सो दिस विल बी अल्फा जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड. क्लियर है? काफी बेसिक से स्टेप्स है. सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एट दिस मूवमेंट. तो ये जो पॉइंट ए है इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहां पर लिखता हूं फॉर ए. We know that ये जो रॉड है इसका हर एक पॉइंट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हर पॉइंट का अल्फा विल बी सेम, करेक्ट? सो एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड. एक्सेलरेशन क्या होगा? आर अल्फा. ए पॉइंट का आर कितना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन? एल. और अल्फा इज थ्री जी बाय टू एल, तो एल विल गेट कैंसल, दिस विल बी
थ्री जी बाय टू। क्लियर है यहां तक? ठीक। थर्ड पार्ट इज, ये तो सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड नेट हिंज फोर्स एक्टिंग एट दैट मूवमेंट। इस मूवमेंट पे व्हाट इज नेट हिंज फोर्स, करेक्ट? ठीक है, हिंज फोर्स कैसे फाइंड करें? सेम हम लोगों ने लिखा था, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल। तो जो हिंज फोर्स है उसके लिए मैं रैंडम डायरेक्शन यहां पर अज्यूम कर रहा हूं। सपोज एक हिंज फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, बराबर अलोंग दिस रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, सपोज दिस इज एफ वन, और एक टेंजेंशियल एक्ट होगा विच इज एफ टू, करेक्ट है? ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करें चेक करो। अभी यहां पर फर्स्ट वील अप्लाई फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, यहां पर लिख लेता हूं फॉर वर्टिकल, अभी अगर ठीक से देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है दिस इज नथिंग बट टेंजेंट, ये जो सर्कल है दिस पॉइंट ए विल परफॉर्म दिस सर्कुलर मोशन, इस मूवमेंट पे वर्टिकल डायरेक्शन इज टेंजेंट। सो राइट नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के लिए मैं लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, सो आई कैन राइट नेट एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग विल बी एम ए आर, करेक्ट? और अगेन ये मैंने काफी बार न्यूटन्स लॉ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेनेवर वी यूज एफ इक्वल टू एम ए, ये जो ए होगा दैट इज ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो ए होगा दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, करेक्ट? ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? आर अल्फा। अभी कंफ्यूजन क्या होगा, तुम लोग गलती से ये आर अल्फा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बट ट्रिक यहां पर ये होगा कि ये जो एक्सीलरेशन है दैट इज ऑफ पॉइंट ए, F equal to ma, इसमें जो acceleration use होगा that will be of center of mass, तो सबसे पहले for center इसका a find कर लेते हैं, center के लिए at कितना होगा, at is r alpha, alpha तो हर point के लिए same है but center के लिए radius will be l by 2, alpha कितना है 3g by 2l, तो ये होगा l cancel 3g by 4, करेक्ट? ठीक है, व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, एक तो F2 नीचे, mg नीचे और एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउन, सो आई कैन राइट F एक्सटर्नल एज F2 प्लस mg इक्वल टू m at 3g by 4, करेक्ट? तो F2 कितना आएगा यहां पर, सो F2 विल बी mg यहां पर, सो 3mg by 4 माइनस mg, तो ये कैलकुलेशन कितना होगा माइनस एम जी बाय 4, सो एफ टू इज माइनस एम जी बाय 4। अभी गेस करो y माइनस साइन, माइनस साइन क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन, मैंने एफ टू क्या लिया है नीचे, तो हिंज फोर्स एफ टू कहां पर एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना एम जी बाय 4, करेक्ट? ठीक है, एफ वन फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मुझे बता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स एक्टिंग दिखाई दे रहे हैं, एक ही है F1 लेफ्ट साइड की तरफ है, तो यहां पर लेता हूं माइनस F1 इक्वल टू एम ए आर, रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है R ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? एट दिस मोमेंट रॉड इज जस्ट रिलीज्ड, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज जीरो, देयरफॉर हिंज फोर्स F1 विल बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट है यहां तक? समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट अल्फा एंड ओमेगा व्हेन द रॉड इज वर्टिकल, तो अभी क्या हुआ है रॉड बिकम्स वर्टिकल, ऐसे हुआ रॉड, इस मूवमेंट पे वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड ओमेगा, करेक्ट? तो ओमेगा फाइंड करना पहले इजी है, वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका जो सेंटर ऑफ मास है पहले यहां पर था, करेक्ट? सेंटर ऑफ मास ये रॉड था पहले, सेंटर ऑफ मास वाज ओवर हियर, फिर सेंटर ऑफ मास यहां पर आया, सो वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है? सो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटी, सो एम जी एच, तो इसका जो सेंटर है वो कितने हाइट से नीचे आया, एल बाय टू नीचे आएगा, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव,
सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट सो ओमेगा इनिशियल कितना हुआ जीरो, एम जी एल इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड सो एम एल स्क्वायर बाय थ्री ओमेगा स्क्वायर, तो ये एम कैंसल एक एल कैंसल तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा थ्री जी बाय एल, सो ओमेगा विल बी अंडर रूट थ्री जी बाय एल, सो दिस विल बी ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, करेक्ट है यहां तक? ठीक है, अभी अल्फा, अल्फा के लिए अगेन क्या यूज करें टॉर्क, टॉर्क व्हाट इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगेन ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज mg व्हिच इज डाउन, तो ये जो फोर्स mg है दैट इज पासिंग थ्रू दिस हिंज, करेक्ट, सो व्हेनेवर फोर्स इज पासिंग थ्रू हिंज और अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन टॉर्क इज जीरो, सो I अल्फा इक्वल टू जीरो, सो अल्फा कितना होगा जीरो, सो व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट, और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हिंज फोर्स व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल, ठीक है, फिर से एक बार एक हिंज फोर्स यहां पर लेते हैं एन वन और एक हिंज फोर्स इस डायरेक्शन में लेते हैं एन टू, करेक्ट, ठीक है, अगेन अगर चेक करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द एक्सिस मतलब टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये सेंट्रिपिटल वाला हुआ, तो इसके लिए लिख सकते हो एफ एक्सटर्नल इज एम ए आर और हॉरिजॉन्टल ये जो है ये सर्कल को टेंजेंट है, सो एफ एक्सटर्नल आई कैन राइट एम ए टी, करेक्ट, अगेन दिस विल बी ऑफ सी एम एंड दिस इज ऑफ सी एम, करेक्ट, ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली, वर्टिकली दो फोर्सेस हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सो दिस विल बी एन वन माइनस एम जी इक्वल टू एम, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, टुवर्ड सेंटर, तो टुवर्ड सेंटर मतलब ऊपर तो पॉजिटिव, सो ये जो एन वन हुआ दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, आर इज कैपिटल आर, यहां पर आर इज लेंथ, करेक्ट, सो ये सेंटर का ए आर, तो सेंटर का आर कितना हुआ, फिर से एक बार दिस इज ए आर फॉर सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के लिए रेडियस इज एल बाय टू, तो यहां पर एल बाय टू ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज थ्री जी बाय एल और ये एम जी वहां पर प्लस एम जी, सो दिस विल बी कितना हुआ कैलकुलेशन, ये थ्री एम जी बाय टू प्लस एम जी, सो दिस इज फाइव एम जी बाय टू, सो हिंज फोर्स एक्टिंग विल बी अपवर्ड 5 mg by 2 बिकॉज आंसर इज पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए व्हाट इज 80, 80 इज r अल्फा एंड अल्फा इज 0, तो हॉरिजॉन्टल में जो n2 है हिंज फोर्स एक्टिंग दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, ठीक है, अच्छे से प्रॉब्लम देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे कॉन्सेप्ट यहां पर इंक्लूड हुए, ओके, इन दिस प्रॉब्लम रॉड इज इंक्लाइंड एट 37 डिग्री, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, वी हैव टू फाइंड हिंज फोर्सेस एक्टिंग ओवर हियर व्हेन दिस रॉड इज जस्ट रिलीज्ड, क्लियर, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, तो इसके फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज टुवर्ड सेंटर यस सर हिंज फोर्स विल बी एन वन और परपेंडिकुलर हिंज फोर्स विल बी एन टू, करेक्ट, ये जो रॉड है दिस इज परफॉर्म दिस सर्कुलर मोशन, तो टुवर्ड सेंटर ये फोर्स हुआ, तो वी विल कंसिडर दिस डायरेक्शन एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन है दिस विल कंसिडर एज आर वर्टिकल डायरेक्शन, करेक्ट, सो फोर्सेस mg विल बी एट सेंटर, करेक्ट, सो mg एट सेंटर, इसके दो कंपोनेंट्स दिस विल बी, दिस इज 37, 37 सो दिस विल बी mg cos 37, करेक्ट, और दिस फोर्स विल बी mg sin 37,
करेक्ट है, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल मतलब टुवर्ड्स सेंटर है, सो दिस विल बी एम ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और वर्टिकल के लिए नेट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू एम, ये वर्टिकल है सो दिस इज टेंजेंट, सो एम 18, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल व्हाट इज नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, दो फोर्सेस है एन वन और एम जी साइन 37, इस तरफ वी विल टेक पॉजिटिव, सो एम जी साइन 37 प्लस एन वन इक्वल टू एम ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो टुवर्ड सेंटर तो पॉजिटिव, एम ए आर फॉर्मूला इज आर ओमेगा स्क्वायर, सो दिस विल बी एम जी साइन 37, कितना होता है साइन 37 3/5 प्लस एन वन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगेन दिस इज फॉर सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर के लिए रेडियस इज एल बाई टू। नेक्स्ट टास्क इज ओमेगा, करेक्ट, व्हेन इट इज जस्ट रिलीज्ड ओमेगा इज जीरो, देयरफॉर वी हैव एम जी 3/5 बराबर इक्वल टू, ये तो जीरो है एन वन उस तरफ माइनस, सो मैग्नीट्यूड इज 3 mg/5 एन वन, एन वन मैंने इस तरफ लिया है तो माइनस साइन सजेस्ट कि एन वन इस तरफ होगा, सो हिंज फोर्स एन वन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड विल बी 3 mg/5, क्लियर है, ठीक है। अभी इसके लिए कंटिन्यू करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वी हैव टू फोर्सेस N2 और mg cos 37, सो यहां पर डाउन विल टेक पॉजिटिव, सो N2 प्लस mg cos 37 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी आल्सो इन दिस डायरेक्शन सो पॉजिटिव m 80, 80 इज r अल्फा, करेक्ट, सो N2 प्लस cos 37 इज 4/5 एम आर, अगेन दिस इज फॉर सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर के लिए रेडियस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एल बाई टू अल्फा। अभी अल्फा कैसे फाइंड करें, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था अल्फा वी विल फाइंड यूजिंग टॉर्क, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हाट इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्सेस देखो एन वन पासिंग थ्रू हिंज जीरो, एन टू पासिंग थ्रू हिंज जीरो, एम जी साइन 37 जीरो, सिर्फ ये फोर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू टॉर्क, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एल बाई टू, करेक्ट, टॉर्क की जगह पर आई राइट आई अल्फा, एम जी कॉस 37 इज 4/5 एल बाय टू, डायरेक्शन टॉर्क राइट हैंड थंब रूल यहां पर फिक्स, एम जी को इस तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है, सो कर्ल फिंगर्स तो कहां पर ये इनसाइड, इनसाइड एल टेक पॉजिटिव, ठीक है, तो व्हाट इज आई, आई दिस इज रॉड एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, सो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाय 3, एम जी 4/5 एल बाय 2, तो एक एल यहां पर कैंसिल, ये 2 करेक्ट, एक एम कैंसिल, सो अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा विल बी इक्वल टू 3, ये 6 होगा यहां पर 6g/5l, तो कैलकुलेशन करते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूट अल्फा ओवर हियर, तो 6g/5l, तो ये 3 एक l कैंसिल, तो कैलकुलेशन n2 इक्वल टू क्या होगा 3/5 mg minus 4/5 mg, so this calculation will be minus mg by 5, so this will be n2, again n2 is also negative, मतलब direction कैसे होगा, opposite होगा, तो ये जो direction से यहाँ पर फिर से draw करता हूँ, n1 कितना है, minus 3 mg/5, so n1 will be in this direction, n2 is also negative, so hinge force n2 will be in this direction, so there are total two hinge forces n1 and n2, so total hinge force, net hinge force will be
these two are perpendicular to each other, so n1 square plus n2 square, substitute values, so this will be n1 square, so 9 by 25 mg plus mg m square g square by 25, correct? So this answer will be, therefore net hinge force will be equal to m square g square out, ये 25 common 5 और under root 9 plus 1, this will be 10. So this is net hinge force acting on the rod. अच्छे से देखो, pause the video, खुद से try करो, then continue to next topic.